करनाल में किसान अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रतिदिन किसानों के धरने को किसी न किसी संगठन का समर्थन मिल रहा है। आज बुधवार को भी भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसानों को अपना समर्थन दिया गया। किसान नेताओं के नेतृत्व में किसान नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में पहुंचे। यहां पर अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंडियों में पोर्टल के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। पोर्टल पूरी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पोर्टल द्वारा किसानों को सही सूचना ना मिलने पर बाजरा बेचने वाला किसान धान की फसल लेकर मंडी में पहुंच जाता है। वहीं किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उनको वापस किया जाए। नेता लोग बड़ौदा उपचुनाव में व्यस्त हैं, परंतु किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार होगी। एक और मैं आपको प्रोपगंडा बताने जा रहा हूँ कि वे दूसरे प्रदेशों की धान और बाजरा रात को ट्रक भर भर के ले आए जाते हैं। इस सरकार के नेताओं के जो दलाल हैं, उनके तहत यहाँ मंडियों में रात को धान लाई जाती है और चोर बरजाई से उसको बेच करके उसका पैसा तुरंत दे दिया जाता है। और किसान इस जिले का, इस प्रदेश का आज 15 दिन से ऐसे पड़ा, उसकी एक पैसा उसको उसकी फसल का नहीं मिला। कभी पोर्टल बंद कर दिए जाते हैं, नेता चुनाव में व्यस्त हैं बड़ौदा में और किसान यहाँ रो रहे हैं मंडियों में। आज क्या करने आए हैं? आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भाई या तो 48 घंटे के अंदर अंदर किसान की जो फसल खरीदी गई है उसका पूरा पैसा दे दिया जाए, नहीं तो आगामी जो रणनीति होगी उसकी जिम्मेवारी इस प्रशासन की और हरियाणा सरकार की होगी। और हमारी समस्याएं हैं कि वे जितना भी दाना बिका है किसान का, पहली बार तो बिकता नहीं, पोर्टल के नाम पर कभी बंद रहता है कभी खोल दिया जाता है। बाजरे वाले के पास तो धान का चला जाता है मैसेज, और धान वाले का उसका चला जाए कपास का जी, ये हालात है। दूसरा जो खरीदा गया उसका एक पैसा हमें मिला नहीं आज तक किसी भी किसान को। तो हमारी मांग है कि भाई जो काले अध्यादेश सरकार ये लेकर के आई है ये सरकार वापिस ले, और जो हमारी मांगे हैं जायजाद MSP को का रेट हमें इसमें कानून में लागू किया जाए, ये हम मुख्यमंत्री जी के नाम से के नेताओं के साथ मिलकर आज हम यहाँ प्रदर्शन करने पे 16 तारीख से बैठे हैं। और आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं DC साहब को, जो पोर्टल सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया हरियाणा में वो ठप हो चुका है और उस पोर्टल के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेच कर चले जाएं। आज फसल बोने का समय है और फसल जमीन तैयार करने के समय में किसान यहाँ मंडियों में घेर के इन्होंने बिठा दिया है, तो अगली फसल कैसे लगेगी? तो इसलिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो आप सुधर जाओ, संभल जाओ, किसानों के साथ दुर्गति करना बंद कर दो, अदरवाइज दिल्ली की ओर कूच करेंगे और इस सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हरियाणा सरकार की होगी, खट्टर सरकार की होगी, मोदी सरकार की होगी। जय जवान जय किसान। आज की तार हो गई है, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी को लेके हमने आज DC साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि ये पोर्टल जो है उसकी MSP पे रेट पे जो है किसान का जो धान है बहुत दिक्कत में आ रहा है और कोई खरीद नहीं रहा, ना आज तक उनके खातों में कभी आज तक पैसा भी आया है। इन्होंने ये बात कही थी कि 72 घंटे के अंदर हम आपके खाते के अंदर पैसे डाल देंगे जो चीनी बिकेगी, और आज तक भी किसी के आपके चैनलों के माध्यम से हम कह रहे हैं किसी के भी आज तक जो है चीनी के खाते के पैसे चीनी के हैं उनके किसानों के खातों में नहीं डाले गए। और सबसे बड़ा जो गेट पास है उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जो है 5-5 दिन 10-10 दिन जो है चीनी आज लोगों की पड़ी हुई है, उसकी वजह से हम आज जो है DC साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.